अभी हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी के लिए फ्राई पैन में सबसे पहले डालेंगे तेल, इस तेल में डालेंगे जीरा, ये जीरा डालेंगे तेल के अंदर, इस तरह से चला लेंगे ताकि जीरा पक जाए, और इस जीरा में डालेंगे ये गोभी छोटे छोटे साइज में काट के धो के गोभी डाल लेंगे तेल में, और इसको इस तरह से चला लेंगे, और इसमें डालेंगे ये आलू। आलू को हमने धो के छील लिया, छील के धो लिया था, और फिर इस तरह से आलू को मिक्स कर लेंगे गोभी में चला के, आलू गोभी में डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ये नमक डाल लेंगे आलू गोभी में, और नमक को मिक्स कर लेंगे आलू गोभी के साथ, इस तरह से चला के नमक को मिक्स कर लेंगे आलू और गोभी के साथ। और इसको ढक देंगे 2 मिनट बाद, ढक्कन हटा लेंगे, और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे, और हल्दी पाउडर के ऊपर ये लाल मिर्च का पाउडर, सारे मसाले डालने के बाद इस तरह से चला के मसाले को मिक्स कर लेंगे आलू और गोभी में, इस तरह से चला लेंगे, और ये सारा मसाला मिक्स कर लेंगे आलू और गोभी में, और इसको ढक देंगे 5 मिनट बाद, ढक्कन हटा के हम इस तरह से चला लेंगे सब्जी को, और इसके ऊपर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 छोटी चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट को इस तरह से मिक्स कर लेंगे आलू गोभी में और मसाले में, इस तरह से चला के पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू गोभी में, और फिर इसको ढक देंगे गैस स्लो करके 5 मिनट बाद, ढक्कन हटा के फिर हम इस तरह से चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा पक जाए, और इसके ऊपर डालेंगे अब टमाटर का प्यूरी, 2 चम्मच टमाटर का प्यूरी इसके अंदर डालेंगे, टमाटर का प्यूरी डालने के बाद ये टमाटर के प्यूरी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे आलू और गोभी में, इस तरह से चला के मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा टमाटर का प्यूरी पक जाए, और फिर इसको ढक देंगे मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट बाद, ढक्कन हटा लेंगे, और इस तरह से फिर से सब्जी को मिक्स कर लेंगे आलू गोभी की सब्जी को, और इसके अंदर डालेंगे पानी, ये पानी 1 कप इसके अंदर पानी डाल के मिक्स कर लेंगे सब्जी को इस तरह से, मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई टमाटर, 1 टमाटर छोटे साइज में काट के डाल देंगे इसके अंदर,
अब इसको फिर से ढक देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और इसको निकाल लेंगे बर्तन के अंदर आलू गोभी की सब्जी को, और इसके ऊपर डाल देंगे धनिया पत्ता, कटी हुई धनिया पत्ता, और ये तैयार है हमारा आलू गोभी की सब्जी।